बात करें बैतूल की तो बैतूल में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। धरने पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए आधी रोटी बनाकर खाई और उनका उद्देश्य शासन को सांकेतिक रूप से ये बताना है कि एक चौथाई सैलरी में कैसे गुजारा कर रहे हैं वो लोग। आधी ही रोटी बना पा रहे हैं और आधा ही पेट खाना खा पा रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि इस समस्या से हम बहुत परेशान हैं। हमारे साथ हमारे बच्चे और हमारे परिवार के सभी सदस्य भी इस समस्या से परेशान हैं। हमारी समस्याओं की चर्चा प्राथमिक स्तर पर ही की जा रही है और शासन प्रशासन अपनी ही हट पर अड़ा है। आज प्रदर्शन का हमारा सातवां दिन है, जिसके अंतर्गत हम लोग ये सांकेतिक रूप से ये बताना चाह रहे हैं कि एक चौथाई सैलरी में हम लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। आधा पेट हम आधी रोटी बना पा रहे हैं और आधा ही खाना खा पा रहे हैं। ना केवल हमें इससे सफ़र करना पड़ रहा है, इसके साथ हमारे बच्चों और बच्चों के साथ में हमारे जो परिवार के सभी सदस्य वो सब सफ़र कर